ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पर पहुंचकर राजमाता विजय राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज और कैबिनेट मंत्री और राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने समाधि स्थल पर पहुंचकर राजमाता को श्रद्धांजलि दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजमाता ने अपने जीवन में जो जनसेवा का रास्ता अपनाया था वो काफी अच्छा था और वो काफी कारगर रास्ता था। राजमाता को याद करते हुए सीएम ने कहा कि विजया राजे सिंधिया ने बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था और जनता में उनकी काफी अच्छी छवि थी। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजमाता किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बल्कि भारत माता के बारे में सोचती थी और देश के विकास के बारे में पूरा फोकस रहता था। उनका जीवन सेवा का पर्याय था और भारतीय जनता पार्टी उनकी ऋणी है। जनसंघ के काम को मध्य प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में लेकिन विशेषकर मध्य प्रदेश में, अगर जनाधार ठीक ढंग से प्रदान किया तो उनके व्यक्तित्व ने, प्रभाव ने और परिश्रम ने किया था। उन्होंने अपने जीवन में जो जनसेवा का पथ अपनाया था और सदैव हमारे अंचल के वासियों की लड़ाई लड़ी थी, आज उनका सालगृह दर्शन करने के लिए मैं आया। ये एक अच्छा मौका है जब हम देश के लिए और देश के बारे में सोचें। जो अम्मा सोचती थी सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं सोचती थी, वो भारत माता के बारे में सोचती।